नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के 16 लीग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने राजस्थान रॉयल्स थी। इस मुकाबले में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन बीच के ओवरों में टीम ने ठीक ठाक बल्लेबाजी की और राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 177 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। राजस्थान की तरफ से शिवम दुबे ने 32 गेंदों पर 46 रनों की पारी खेली। इसके अलावा रियान पराग ने 16 गेंदों पर 25 रन, वहीं अंतिम ओवरों में राहुल तेवतिया ने 23 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने विराट कोहली और देवदत्त पड्डीकल के रूप में ताबड़तोड़ शुरुआत कर डाली। जी हां, दोनों ने 10 ओवर के अंदर ही 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी कर टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत कर दी थी। इस दौरान देवदत्त पड्डीकल ने सिर्फ 27 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक ठोक डाला। उन्होंने इस दौरान 8 चौके और 3 छक्के ठोके थे। वहीं विराट कोहली भी बेहद खूबसूरती से उनका साथ निभाते हुए नजर आए। देवदत्त पड्डीकल 210 की स्ट्राइक रेट से इस दौरान बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें, इससे पहले 2 मैचों में देवदत्त पड्डीकल फेल रहे थे और उनके फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बैटिंग पिच पर देवदत्त पड्डीकल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। आपको बता दें, 12 ओवर के खेल के बाद दोनों के बीच 136 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए हो चली थी। इस दौरान विराट कोहली ने भी 34 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। देवदत्त पड्डीकल जिस अंदाज में खेल रहे थे, वो अपने मेडन आईपीएल शतक की ओर भी काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।